जी बिल्कुल, देखिए ये वही गोरखधाम ट्रेन है जिसके लिए कि मैंने, जब मैं सांसद बनी थी तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर मेरी मेडन स्पीच जो थी उसके अंदर मैंने यही आग्रह किया था आदरणीय रेल मंत्री जी से। उस समय में आदरणीय पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री होते थे और मैंने ये आग्रह किया था कि हमारे सिरसा को जो है ये गोरखधाम ट्रेन मिलनी चाहिए, इसका एक्सटेंशन हिसार से सिरसा तक, बठिंडा तक होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी जब आए और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरफ ध्यान दिया और हमें ये ट्रेन जो है मिली और मैंने आज इसका सफ़र किया और बहुत ही सुखद और बहुत ही आरामदायक जो है इसका सफ़र है। और देखिए 5:35 पर मैं दिल्ली से चली थी और ये अभी 10:40 के करीब, 10:45 के करीब जो है यहाँ पे पहुँचती है और मुझे लगता है कि इससे सुखद और इससे आरामदायक सफ़र नहीं हो सकता। भारतीय रेल जो है वो शायद पूरे दुनिया के अंदर सबसे अच्छा जो है एक यातायात का साधन है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बल्कि समस्त सिरसावासियों को ये आग्रह करूंगी कि वो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अभी मुझे बल्कि जो अधिकारी रेलवे के अंदर इसमें ट्रेन में जो बैठे थे उन अधिकारियों ने भी धन्यवाद किया कि आप पहले ऐसे जो हैं सांसद हैं जो जिन्होंने इसमें सफ़र किया, आज तक पहले कभी किसी मंत्री ने, कभी किसी सांसद ने कभी भी इस ट्रेन में सफ़र नहीं किया। इसके साथ साथ वो एक बात के लिए और धन्यवाद कर रहे थे कि पिछले 10 सालों से इसके लिए कोशिश चल रही थी लेकिन कोई भी इस ट्रेन को जो है सिरसा तक नहीं ला पाया। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि मैंने सिरसा वासियों के लिए जो है ये ट्रेन हम यहाँ तक लेकर आए और आज मैंने इसमें सफ़र किया और अब मैं रेगुलर इस ट्रेन में सफ़र करने वाली हूँ। एक नेता अगर ऐसी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करता है तो कितना फ़ायदा होता है? देखिए लोगों में ना जागरूकता बहुत होती है इस बात की, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएटिव ना लो, नेता का मतलब ही ये होता है कि वो जो भी काम करे तो लोग कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने की। तो इसलिए मैं रेगुलर तौर पर जो है ना अब इसको सफ़र जो है इस पे गोरखधाम पे मैं किया करूँगी। दिल्ली से मुझे जब भी यहाँ पे आना होगा या यहाँ से दिल्ली भी जाना होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि, और बहुत सी चीज़ें हैं, एक तो आपका जो बाय रोड जाने में जिस तरह से आपको हर तरह का ट्रैफिक का हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस जो आपका जो फ्यूल है वो भी बहुत लगता है, तो अगर एक ही माध्यम है तो मुझे लगता है कि, और ये सबसे सस्ता माध्यम है तो इसका ज़रूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सिरसा लोकसभा से और क्या तोहफे मिलने वाले हैं? सिरसा लोकसभा के लिए अब मेरी अगली कोशिश जो है, मैंने अब जैसे ये यात्रा की है तो मेरा बहुत दिल ये करता है कि यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन भी चलनी चाहिए जो कि और भी फास्ट ट्रेन है और मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर चलेगी तो शायद और भी ज़्यादा जो सिरसावासी हैं वो जो है ट्रेन से सफ़र करना पसंद करेंगे। तो अब की बार की जो पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाली है 20 तारीख को तो उसके अंदर मैं धुआंधार तरीके से यही मांग रखने वाली हूँ कि हमारे सिरसा को जो है वो वंदे भारत ट्रेन मिलनी चाहिए। प्लेटफार्म 2 है यहाँ, लेकिन जो सुविधाएं 1 पर है 2 पर नहीं है, यहाँ पंखे भी नहीं चलते, आपके आने से पहले पंखे चले हैं? हाँ नहीं, मैं इसलिए भी मुझे अब ट्रेन से सफ़र करना है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई तकलीफ जो है हमारे यात्रियों को ना हो। और मैंने अधिकारियों को भी ये कहा है कि आप लोग अब इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि मैं यहाँ पर अब सफ़र करने वाली हूँ इसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नज़र ना आए। प्लेटफॉर्म 3 जो है उसका सब कुछ टेंडर वेंडर सब क्लियर हो गया, बहुत जल्द आपका प्लेटफॉर्म 3 जो है वो भी यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। और इसके साथ साथ जो ये अमृत स्टेशन में जो आया है उसके तहत इस स्टेशन का भी जो है वो पूरा ज़बरदस्त तरीके से इसके रेनोवेशन वगैरह होगी और इसकी सारा इसके अंदर सब सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी और दिसंबर तक वो सब काम पूरा होगा। हरियाणा के 10 बीजेपी के सांसद हैं, सबकी अलग अलग राय है, कोई विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, कोई लोकसभा, आप भी सांसद हैं। देखिए मैं सिरसा वासियों को बहुत 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 स्नेह रखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं सिरसा की धरती को किसी भी कीमत पर छोड़ूं। सर साई नाथ जी की धरती है ये और मेरा परमानेंट जो है निवास स्थान भी अब यहाँ पर है, तो मैं सिरसा की धरती को नहीं छोड़ना चाहती दिल से। लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे आप? देखिए बाकी सब निर्णय तो पार्टी ने लेना है लेकिन मेरी अगर कोई अपनी पर्सनल अगर कोई राय जानना चाहे तो मुझे सिरसा के लोगों से बहुत प्यार है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।